हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 3 और इसमें हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कैन यू रिकॉल से। और सबसे पहला क्वेश्चन जो कैन यू रिकॉल में दिया है वो क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में ये जो आप एक ऑर्गन देख रहे हो अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम करता है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में है। इसका आंसर है कि ये कुछ काम नहीं करता है। अपेंडिक्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ए फंक्शनलेस और वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब ये फंक्शनलेस है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये वेस्टिजियल है। मतलब जिस ऑर्गन का कोई काम नहीं होता उसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे और भी हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहला जो एंशियंट इंसान था, बहुत साल पहले या हज़ारों साल पहले या न जाने कितने साल, 100 साल पहले, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, वो कच्ची सब्जियाँ खा लेते थे, वेजिटेबल्स, फिर जो मांस होता था वो भी कच्चे खाते थे। तो वेजिटेबल्स के जो कच्चे खा लेते थे, मतलब बगैर पकाए हुए, तो उसके अंदर एक सेलुलोज होता था जिसको डाइजेस्ट करने का काम अपेंडिक्स करता था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे आज के टाइम अगर हम देखेंगे तो हम कोई भी सब्जियां या कोई भी मांस जो होते हैं उसको हम पका के खाते हैं, मतलब उसको पका देते हैं, तो सेलुलोज वहाँ पर नहीं रह जाता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का जो काम करता था अपेंडिक्स, वो भी अब उसका काम भी नहीं रहा। तो अगर उसका काम नहीं रहा तो वो इस तरीके का बन गया वो, मतलब अब उसका काम नहीं रहा तो भी वो एक इवोल्यूशन। देखिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन क्या है आपको जब ये वीडियो पढ़ेंगे तब आपको समझेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ भी, कि कुछ चीज़ें पहले थी और अब जब उसका काम नहीं रहा तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ऐसा समझिए। वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर से हट रही हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो अब उसका जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम पहले वो करता था, अब वो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए वो है बॉडी के अंदर फिर भी, क्योंकि अचानक ऐसा जा नहीं सकता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो पहले उसका काम था लेकिन अब नहीं है। इसके लिए अपेंडिक्स जो आज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में, वो एक फंक्शनलेस है, उसका कोई काम नहीं है, वो एक वेस्टिजियल है। ये डार्विन ने बताया था, लेकिन एक चीज़ और आप समझिए कि आज रिसेंट स्टडीज़ में ये माना गया है कि अभी भी इसका कुछ काम है, कुछ बैक्टीरियाज के स्टोरेज का कुछ ये काम करता है, लेकिन डार्विन ने साफ इनकार कर दिया था कि इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल हमको यही समझ के चलना है कि इसका कोई काम नहीं होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चीविंग द फूड। तो जो हमारा विजडम टीथ है, लास्ट वाला जो टीथ बहुत मोलार टीथ के एकदम पीछे है, जो आता ही नहीं सपोज, या अगर आ भी गया तो ऐसा थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसको हिंदी में हम अक्कल दांत भी बोलते हैं, अक्कल। और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस एज में आता है, 17 से 21 तक के एज के अंदर ये दांत या तो आता है या तो नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उस टाइम आता है 17 से 21 के एज में, जब इंसान को अकल आती है, मतलब अकल आने के बाद आता है ये दांत, इसके लिए लोग उसको अकल दांत बोलते हैं, हम उसको विजडम टीथ बोलते हैं। तो ये पहले वाले जो इंसान थे, एंसेस्टर, वो क्या करते थे, इन दांतों का यूज़ करते थे किस लिए, बड़े बड़े वुड को, जैसे बड़ी बड़ी हार्ड चीज़ को तोड़ने के लिए, नट्स हो गए या और भी कोई चीज़ों को तोड़ने के लिए उसका यूज़ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग इतना दांतों का यूज़ नहीं करते किसी भारी चीज़ को तोड़ने के लिए। तो धीरे धीरे जब वो यूज़ हम बंद कर दिए तो उसका काम भी ख़त्म हो गया, और वो इसलिए वो अब आता नहीं है ऊपर, या अगर आ गया तो भी उसका कोई काम नहीं, क्योंकि वो बहुत पीछे रहता है, उसका यूज़ ही नहीं कर पाते। तो आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चीविंग द फूड। तो आज के टाइम पर हम इसका यूज़ नहीं करते, कभी कभी तो ये आता ही नहीं। स्टूडेंट्स ये देख रहे आप, ये ऊपर मसल्स वैसी है, और अगर आता है तो ऐसा इरेगुलर हो जाता है, ऐसा ये सारी चीज़, ज़्यादातर ये नहीं भी आता, इसे समझिए। तो इसका आंसर है कि विजडम टीथ आर नॉट यूजफुल फॉर अचीविंग द फूड। तो इवोल्यूशन में ऐसी कुछ है कि जो चीज़ हम यूज़ करते रहते हैं वो होता है, लेकिन जिसका यूज़ बंद हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। पर ये इतना जल्दी नहीं होता कि आजकल परसों में हो जाए, इसको हज़ारों लाखों साल लगते हैं ख़त्म होने के लिए, ऐसा आप समझिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा कि व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट। तो इतने बड़े बड़े जो जानवर थे किसी ज़माने में,
वो क्यों ख़त्म हो गया। तो आपने देखा ये कि जो मेट्रोइड्स आते थे, जो स्पेस से बड़े बड़े पत्थर या बड़े बड़े आयन के जो बॉडीज़ होते थे, वो अचानक जब गिरे वॉलकैनोज़ के ऊपर गिरे, तो इस तरीके के जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसके वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना बदल गया, यहाँ का क्लाइमेट इतना बदल गया कि ये लोग को रहना इनका मुश्किल हो गया। ये सब एक इमेजिनेशन ही है। इमेजिनेशन मतलब ये एक ऐसा माइट भी ऐसा बोला गया स्टूडेंट्स, अभी भी एक मिस्ट्री है ऐसा समझिए, एकदम क्लियर कट नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि ये क्लाइमेट की वजह से इनका डेथ हो गया, या फिर ये सिचुएशन आने के बाद फिर जो खाने का जो मतलब फूड की जो अवेलेबिलिटी थी वो शॉर्ट हो गई, लोग इनको खाने को नहीं मिला, इसके लिए एक्सटिंक्ट हो गए, ये मर गए, ये वजह आज बताया जाता है। वैसे एग्जैक्टली नहीं ऐसा बोल सकते, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल्दो द कॉज ऑफ डायनासोर एक्सटिंक्शन इज स्टिल ए मिस्ट्री, अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन दो तीन बातें हम बोल सकते हैं कि फॉलोइंग इवेंट्स कुड हैव प्लेड ए रोल, हो सकता है कि ये रोल प्ले किए रहेंगे इनके एक्सटिंक्शन में। एक ये कि एक बिग मेटेराइड क्रैश, एक बड़े बड़े पत्थर जो अचानक बारिश के जैसा आके क्रैश हुए इनटू द अर्थ, जिसमें वॉलकैनिक फिर बहुत सारी चीज़ तबाह हो गए, जिसके से पोल्यूशन भी ख़राब हो गया, चेंजिंग द क्लाइमेट क्लाइमेटिक कंडीशंस सो ड्रामेटिकली, इतना ज़्यादा दैट डायनासोर्स कुड नॉट सर्वाइव, तो वो रह नहीं पाए। दूसरा फूड चेन इम्बैलेंसेस, मतलब जो इनको मतलब फूड चेन आपको मालूम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जो एक दूसरे को के ऊपर लोग डिपेंड होते थे खाने के लिए, जब वही डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको भी खाना मिलना मुश्किल हो गया। तो फूड चेन इम्बैलेंसेस लेड टू द स्टारवेशन ऑफ द डायनासोर्स, तो डायनासोर को स्टारवेशन की ज़रूरत पड़ गई, मतलब स्टारवेशन करना पड़ गया, उनको भूखे रहना पड़ गया, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्या लिखा है कि वाई आर मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट, तो यहाँ पे बर्ड्स दिया है, एनिमल्स की बात आपको बताना है कि एनिमल्स के बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे बर्ड्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गया, अब वो रही नहीं, कि उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो है ही नहीं, तो ये भी वही उसी का रीज़न है कि एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्सटिंक्शन मे कॉज बाई नेचुरल अकरेंसेस सच एज क्लाइमेटिक हीटिंग, क्लाइमेट में हीट ज़्यादा हो गया या कूल ज़्यादा हो गया, तो जो उसको अडाप्ट कर पाते थे, जो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते थे वो रहते थे। देखिए अब आप पढ़ने वाले हो नेचुरल सिलेक्शन, एक वर्ड पढ़ने वाले हो, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर जिसको सेलेक्ट कर लेगा इस दुनिया में वो रह जाएगा, और जिसको वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा वो चला जाएगा, मतलब नेचर जिसको परमिशन दे देगा, मतलब जो लोग क्लाइमेटिक चेंज में भी अपने आप को बचा पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, वो लोग रह जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं रह पाएंगे। तो क्लाइमेट में हीटिंग के वजह से, कूलिंग के वजह से, या सी लेवल के इंक्रीज़ होने से, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारे जो एरियाज़ है वो मतलब कवर हो गए पानी की वजह से, डिस्ट्रॉय हो गए पानी की वजह से, तो जो लोग एटमॉस्फेरिक चेंजेस में अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं वो लोग रह पाते हैं, और जो नहीं अडाप्ट कर पाते वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, वही है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सर्टेन स्पीशीज़ के एक्सटेंशन होने का यही वजह है। फिर देखिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गया एज फार्मिंग लैंड एक्सपांड्स, क्योंकि हमने फार्मिंग लैंड को एक्सपांड कर दिया, खेती करने के लिए हमने ज़मीन को एक्सपांड कर दिया, तो जो लोग वहाँ पे रहते थे वो लोग को जाना पड़ गया, जिसकी वजह से उनको खाना नहीं मिला, फिर वो मर गए इस तरीके से। एंड फॉरेस्ट आर कट डाउन, ये भी आप समझ रहे हो, दिस इज़ द मेन कॉज अलॉन्ग विथ पोल्यूशन, फिर पोल्यूशन भी है, एंड ओवर फिशिंग और हंटिंग, फिशिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, हंटिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स के और बर्ड्स के क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वो है इवोल्यूशन, और इसमें क्या पढ़ना है देखिए कि इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इवोल्यूशन क्या है, एक ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल चेंज मतलब जिसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा, प्रोग्रेसिव होएगा, मतलब बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, बढ़ता हुआ चेंज है, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। फिर आगे क्या लिखा है, दिस इज़ ए वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो गोइंग प्रोसेस है, बहुत जल्दी ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है, टू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड, और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डेवलपमेंट अचीव होने लगता है। फिर आगे क्या लिखा है कि ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस अकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स, तो जितने भी देखिए ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस अकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स में जो भी चेंजेस होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप इवोल्यूशन को पढ़ रहे हो तो अर्थ के ऊपर जो बायोस्फीयर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, और अर्थ के बाहर स्टार्स, दूर दूर तक प्लैनेट्स, इन सब को इवोल्यूशन में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे चेंजेस आए हैं, जैसे सन का फॉर्मेशन कब हुआ, सन में सन मतलब ये पूरा सोलार सिस्टम कैसे बना, वो सारे चीज़ इवोल्यूशन हुए, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आए, ग्रेजुअल चेंजेस।
फिर आगे क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, और क्या लिखा है कि ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे ये कैरेक्टर को देखिए और ऐसे धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहा है, खास कोई भी चीज़ जैसे हैंड का चेंज होना, फिर लेग का शेप का, फिर हेड का, ये सारे फोर हेड का, ये सारी चीज़ जो चेंजेस हो रहे हैं, तो जिसको आप स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बोल सकते हो ऑफ सेवरल जनरेशन। ये एक जनरेशन नहीं, बहुत सारे जनरेशन के बाद ये चेंजेस दिखाई देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी वजह से चेंजेस हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन के रिस्पॉन्स से। मतलब अगर ये आजू बाजू के क्लाइमेट को ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो ये मर जाता था, तो इसने रिस्पॉन्ड किया, इसके जनरेशन ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब नेचर ने इनको सेलेक्ट कर लिया। मतलब ये लोग हर बदलते हुए क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से ये लोग रह जाते थे, तो नेचर ने इनको सेलेक्ट किया। तो ये सारे चीज़ों की वजह से जो चेंजेस आते चलता गया और एक नया स्पीशीज़ बना, उसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, आपको बताया मैंने, ऑफ सेवरल जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ रेस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 350 करोड़ ईयर्स अगो, 1 बिलियन 100 करोड़ है, तो 3.5 बिलियन मतलब 350 करोड़ ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि 350 करोड़ साल पहले अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था, एट द बिगिनिंग, और फिर शुरुआत में क्या हुआ, देयर मे बी, मे हैव, देखिए मे हैव का मतलब ये कोई एकदम कन्फर्मेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक सोचा जा रहा है। सो देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स, तो शुरू में उन्होंने क्या बोला कि लाइफ तो पहले नहीं था, लेकिन फिर अगर लाइफ आज है तो सबसे पहले शुरू में क्या हुआ रहेगा, कुछ सिंपल एलिमेंट्स रहे होंगे, जो भी आप एलिमेंट्स जानते रहोगे उसमें से कुछ, उन्होंने नाम भी नहीं बताया, तो सिंपल एलिमेंट्स रहे होंगे, वो भी कहाँ पर रहे होंगे, देखिए इन द ओशन, पहले तो वो बोले कि ओशन में रहे होंगे, ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर है, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोस, और फिर वो जो एलिमेंट्स थे उससे कुछ ऑर्गेनिक बने होंगे, मतलब प्लांट्स वाले, एनिमल्स वाले, फिर इनऑर्गेनिक जैसे अर्थ के अंदर हैं जो एलिमेंट्स आप पढ़ते हो सब इनऑर्गेनिक है, और फिर जो प्लांट के बॉडी में या एनिमल के बॉडी से जो भी चीज़ हमको, जो भी कार्बन हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स मिलते हैं जिनको ऑर्गेनिक बोला जाता है, तो पहले उन्होंने बोला कि ओशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स सिंपल एलिमेंट्स रहे होंगे, फिर उन सिंपल एलिमेंट्स से कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने रहे होंगे, फिर क्या बोला कि फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, फिर ये जो एक डिफिकल्ट कंपाउंड है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो, वो जिसको प्रोटीन बोला जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत सालों के बाद प्रोटीन्स बने होंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड्स बने होंगे, मतलब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन समझिए, मे हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड्स, मतलब उन सिंपल कंपाउंड्स से फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बने होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन या न्यूक्लिक के कंटेंट्स बने होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स बने होंगे, लेकिन इनको बनने को क्या लगा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम, जैसा जो पहले सिंपल एलिमेंट्स रहेंगे, फिर धीरे धीरे प्रोटीन्स ये सारी चीज़ बनने शुरू हुए रहेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा डेवलपमेंट चेंजेस होते होते फिर आज तक हम पहुँचे हैं, ऐसा इवोल्यूशन का एक बात बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिक्स होने के बाद फिर पहला प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना होगा, मतलब एकदम सिंपल सेल जिसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, उस टाइप का सेल बना रहा होगा। फिर नंबर ऑफ दो सेल्स मे हैव इंक्रीज, फिर वो सेल्स जो बने होंगे पहले, मतलब एक सिंपल सेल जिसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे, बहुत ही कम से कम चीज़ें रही होंगी, फिर नंबर ऑफ दोज सेल्स, फिर वो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हैं उनका जो नंबर्स था मे हैव इंक्रीज, फिर वो धीरे धीरे बढ़ा होगा, एक सेल से दो, दो से दस, दस से दो से चार, चार ऐसा, मतलब बढ़े होंगे, फिर एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, जो भी आजू बाजू के केमिकल्स अवेलेबल थे उसके वजह से फिर वो धीरे धीरे क्या हो गए, सेल्स बढ़ते चले गए, फिर देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दोज सेल्स, फिर क्या हो गया, वो सेल्स में डिफरेंस आने लगा, मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर में, या ऐसा समझिए यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऐसा सेल्स में डिफरेंसेस आने लगे,
तो देर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दोज सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। फिर ये बोला जा रहा है कि फिर वो सेल्स इंक्रीज हुए रहेंगे, फिर उनमें डिफरेंसेस आए होंगे, फिर कुछ क्लाइमेट को रिस्पॉन्ड करके रह गए होंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए रहेंगे। तो वही बोला जा रहा है नेचुरल सेलेक्शन कि देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस हुए रहेंगे फिर अमॉन्ग दो मतलब सेल्स में डिफरेंसेस आए रहे होंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर जो अब जिसको सेलेक्ट कर रहा है, तो कुछ सेल जो अडाप्ट कर पाए अपने आप को, उन्होंने ग्रोथ दिखाया, लेकिन कुछ जो नहीं सर्वाइव हो पाए उस क्लाइमेटिक चेंजेस में, तो वो पेरिश्ड हो गए यानी ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए, विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग जो सराउंडिंग में एडजस्ट नहीं कर पाए। तो नेचुरल सिलेक्शन वही है कि जो बदलते हुए क्लाइमेट को चेंज कर पाएगा वो रहेगा, और जो नहीं चेंज कर पाएगा वो नहीं रह पाएगा। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते रह गए। फिर आगे क्या लिखा है कि एट प्रेजेंट आज के टाइम अगर देखा जाएगा तो क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये आप जानते हो कि आज क्रोर्स ऑफ स्पीशीज हैं प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटीज हैं, उनके शेप को लेके, उनके स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी चीज़ें आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। फिर एनिमल डाइवर्सिटी में देखेंगे अगर, तो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऑलरेडी आपको अमीबा का डायग्राम पता है, पैरामीशियम आप देख सकते हो। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर टू मैन एंड जाइंट वेल। तो वेल के बारे में बात करिए या मैन आप अपने बारे में बात करिए, तो हम एक मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, मतलब हमारे पूरे बॉडी बहुत सारे अलग अलग सेल्स से बने हुए हैं। तो एनिमल में डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे तो यूनिसेलुलर अमीबा पैरामीशियम से लेकर मल्टी सेलुलर मैन और जाइंट तक आप देखोगे। और उसी तरह प्लांट की अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेकर ह्यूज बनियन ट्री। तो ये आप दोनों भी आप नेट पर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो क्लोरेला जो यूनिसेलुलर प्लांट है उसको लेकर ह्यूज बनियन ट्री अगर आप देखोगे, तो जो मल्टीसेलुलर प्लांट है यहाँ तक का डाइवर्सिटीज आप देखने को आज के टाइम पे आपको मिलेगा। जबकि इसका ओरिजिन जो था वो एक बताया गया किस तरह ओशियन में एक सिंपल एलिमेंट्स थे, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो वो सारे आपने जो देखा वो। चलिए आगे देखते हैं। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर। आपको मालूम है कि अर्थ पे लाइफ हर जगह पे है, और हर जगह पे कहाँ कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेटर तो है ही है टू द बोथ पोल्स, पोलर एरियाज में भी है, ये तो हमको पता है। पोलर एरियाज जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं रहते लेकिन वहाँ पे जानवर होते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे। तो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, और प्लेसेस में भी लाइक एयर, जो बायोस्फीयर है, जो आजू बाजू जो एयर है वहाँ पे भी आपको मालूम है एरियल एलिमेंट सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर वाटर के अंदर भी, वाटर बॉडीज़ के अंदर भी हैं, लैंड ज़मीन पे तो हम ही लोग हैं और भी लोग हैं, रॉक के अंदर भी हैं, ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेट्रा, मतलब जहाँ आप नज़र घुमाओगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो लाइफ एग्जिस्ट हो रहा है अर्थ पे हर जगह पे, अर्थ के बाहर के बायोस्फीयर में भी, एटमॉस्फेयर में भी, हर जगह पे। ह्यूमंस हैव शोन क्यूरोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन के अंदर एक क्यूरोसिटी है, एक लर्निंग के लिए एक क्यूरोसिटी मतलब बेताबी है कि कैसे कोई चीज़ आया, कहाँ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो वो क्यूरोसिटी की वजह से आज हम इतना समझ पाए हैं। तो ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, एंड रीजंस फॉर सच ए ग्रेट डाइवर्सिटी, और इतना जो डाइवर्सिटी हुआ ये इसका वजह क्या है, इसके पीछे जो क्यूरियोसिटी है उसी की वजह से आज हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्वेंशन मतलब हम ढूंढ पाए हैं इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड। और ये आज के लोग ही नहीं कर रहे हैं, पुराने ज़माने के लोग, उनके पास जो भी डिवाइसेस थे उसके वजह से उनको लेकर वो रिसर्च करते रहते थे, और आज तो बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन क्यूरोसिटी आज ही शुरुआत हुई, ऐसा नहीं पहले से भी लोग जानना चाहते थे कि लाइफ कैसे आया, लोग कैसे इतने सारे अलग अलग हो गए, वो सारी चीज़। फिर आगे देखिए, डिफरेंट थियोरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थियोरीज दिए, अपने अपने राय बताए, अपने अपने बुक्स पब्लिश किए और बताया कि किस तरह ओरिजिन हुआ, किस तरह चेंजेस हुआ, ये सारी चीज़ उन्होंने बताया। लेकिन क्या हो रहा है टिल टुडे आज तक, लेकिन ऑफ विच थियोरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। इसमें से हम जो थियोरी आज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो थियोरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको
मतलब बहुत सारे थियरीज लोगों ने पेश किया लेकिन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, थियरी ऑफ इवोल्यूशन अब देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो थियरी के बारे में अभी हमने सुना, तो इस थियरी से अगर समझा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशन। तो ये थियरी ये बताती है कि सबसे पहला लिविंग मटेरियल अगर कोई है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर, मतलब प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली क्या है, ऑल द लिविंग मैटर इन ए सेल, सेल में जितने भी लिविंग चीज़ है जिसके अंदर जान है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ रहेगा कहाँ पे, ओशियन में, ये थियरी बता रही है। फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम बीता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड, सबसे पहला एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म बना है। फिर ग्रेजुअली फिर आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव होते हुए चेंजेस अकर्ड, फिर उसके अंदर चेंजेस आया इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सालों के बाद फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुआ इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच, और उसी में से लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेयर फॉर्म्ड, और उसी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से बड़े बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, फॉर्म्ड हुए। ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो, अब ये चेंजेस जो हुए बहुत स्लो हैं एंड ग्रेजुअल, लेकिन हाँ प्रोग्रेसिव थे, धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस, अभी जो भी चेंजेस के बारे में बताया गया यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो भी सफ़र है उसमें कितने टाइम गए होंगे, देखिए चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स, मतलब 300 करोड़ साल तो ज़रूरी है, पक्का है कि लगा होगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना स्लो प्रोसेस है ये। चलिए आगे देखते हैं, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो चेंजेस जो हो रहा है वो ह्यूमन में ही नहीं हो रहा है, जितना भी आप ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आप देख रहे हो, चाहे वो ज़मीन पे हो, लैंड पे हो, ओशियन में हो या एटमॉस्फेयर में हो, सब के अंदर चेंजेस और डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसा नहीं कि एक ही, ऑलराउंड हो रहा था और हर जगह पे हर चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट हो रहा था, मल्टी डायमेंशनल यानी हर जगह पे हो रहा था, एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट हुए। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल। तो ओवरऑल प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोलेंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल है मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए प्रोग्रेसिव डेवलप, अब यहाँ पे इवोल्यूशन का एक डेफिनेशन और है आपके पास कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस करेगा, तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स अलग थे, फिर उनसे जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आया हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका स्ट्रक्चर और हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया, उनके फंक्शनल में और हमारे फंक्शन में चेंजेस आ गया, इज कॉल्ड इवोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले थे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 4 में, इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे जहाँ पे एविडेंस देखेंगे, जहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि ये सारी बातें जो अभी हमने सुना ये किस हद तक करेक्ट है, किस, तो ये एविडेंस प्रूफ के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।